हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के नवीन प्रकाशन बुक की एक्सरसाइज 7C के 22 और 24 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 1/√1 − 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले बाई सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। बाई सब्स्टिट्यूशन से तो 3x + 2 क्या मान लेते हैं, t। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x 3x का क्या होगा, 3 और 2 का 0 प्लस dx और t का dt, ये हो गया। तो x की dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, dx की जगह पर हम पुट करेंगे 1/3 dt। dx की वैल्यू आ गई, क्या पुट करेंगे, 1/3 dt। तो 1/3 करिए 1/√1 − t² और dt dx की जगह 1/3 dt। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि 1/√1 − x² में, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही होता है इंटीग्रेशन। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री वाले खास तौर पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन सबकी जान है, तो इसको जरूर याद रखिए। अच्छा, ये 1/3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर। फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/√1 − t² और जिसका क्या होगा 1/3 sin inverse t + c। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 sin inverse टी की वैल्यू क्या है, 3x + 2 + c। तो ये रहा इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 24 का सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, यदि f′ = 1/x + x² और f1 = 4/3, तो fx का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि fx = क्या होगा, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करें d/dx तो क्या होगा, f′x, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम f′x का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, फिर से fx आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट इन्वर्स होते हैं, आप सभी को पता है ये चीज़। तो कर देंगे, तो करना क्या है, इंटीग्रेशन करके हमें fx लाना है, और f1 की वैल्यू हमें दी गई है क्या है, 4/3, और f′x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/x + x². तो पुट करिए, वैल्यू पुट करिए f′x की, 1/x + x² dx = fx, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, 1/x का अब समाकलन क्या होगा, log x, फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, प्लस x² का x³/3 प्लस c = fx। अब रखिए, हमको c की वैल्यू तो पता नहीं है, इसके लिए हमें एक दिया है f1 की वैल्यू, तो f1 = क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x की जब 1 पुट करना है तो 1/3 प्लस c, यही होगा। अब log 1 बराबर क्या होता है, ये ध्यान रखना कि log 1 बराबर हमेशा क्या होता है, 0, और जब ना दिया हो, बेस ना दिया हो, तो बेस इसका होता है e, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और log बेस अगर सेम हो, a बेस a, तब भी 0, तब होता है 1, ये हमें ध्यान रखना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, f1 = 0 + 1/3 + c, इसको इधर ले आइए, और यह f1 क्या दिया है, 4/3, तो 4/3 इधर ले आएंगे इसको, −1/3 किसकी दी है, f1 की वैल्यू 4/3, और इसको यहाँ लाएंगे कितना हो जाएगा, −1/3 = c, तो c = क्या होगा, 3/3 = 1, तो c की वैल्यू हमें पता चल गई। तो यहाँ fx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो fx = क्या आ जाएगा, fx = क्या आ जाएगा, क्या दिया है, f(x) + x³/3, c की वैल्यू पता चल गई 1, और fx का मान यही होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का सलूशन। आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी सॉल्यूशन वीडियो में।